फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त प्रदीप ठाकरे और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल worthIAS पे। प्लीज़ चैनल को कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलो दोस्तों, आज अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि क्यों मार्स और अर्थ के बीच जो सिग्नल है वो इंटरप्ट हो रहा है, अपने को जो है प्रॉपर सिग्नल मार्स की तरफ से मिल नहीं रहा है। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि इसरो जो है अपना इंडियन स्पेस एजेंसी और नासा जो है अमेरिकन स्पेस एजेंसी, दोनों एजेंसीज ने अपने मार्स मिशन भेजे थे। उसमें से जो इसरो का मिशन था वो था कि अपना जो सैटेलाइट रहेगा वो मार्स के अलोंग ऑर्बिट करेगा, और उसकी वजह से क्या होता है कि वो वहाँ के सराउंडिंग की, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का जो कंपोजिशन है कंप्लीट उसके एनवायरनमेंट का, तो वो अपने को प्रोवाइड करने वाला था, और वो थ्रू द रेडियो सिग्नल अपने इसरो के सेंटर या मतलब अर्थ पर भेजा जाता है। सेम वैसे ही नासा ने अपना क्यूरियोसिटी रोवर और इनसाइट लैंडर भेजा हुआ था, तो जिसकी वजह से उनका जो एक लैंडर था वहां पर लैंड होकर वहां के सॉइल का कंपोजिशन और उसकी प्रॉपर्टीज जो है थ्रू द रेडियो सिग्नल्स अर्थ पर भेजता था। तो अभी प्रॉब्लम क्या हुआ है, मतलब ये वीडियो शूट करने का रीजन ही वही है कि अभी अपने को मार्स से दोनों प्रोजेक्ट से या फिर अदर जितने भी जो मार्स मिशन भेजे गए हैं डिफरेंट कंट्रीज के द्वारा, तो वहां से अपने को सिग्नल नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इसका रीजन है सोलार कंजक्शन। तो एक्चुअली सोलार कंजक्शन की वजह से क्या हुआ, मार्स से अपने को जो सिग्नल मिल रहे थे वो मिलना बंद हो गए एक वीक से, और जिसकी वजह से कम्प्लीटली अपने को एक वीक से वहां की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। तो ये सब क्यों हुआ, सोलार कंजक्शन क्या होता है वो अपन देखेंगे अभी। तो सोलार कंजक्शन क्या होता है कि एक ऐसा स्टेज होता है जहां पर अर्थ और मार्स जो है अपोजिट टू द सन आ जाते हैं, और सन जो है अर्थ और मार्स के बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जैसे मार्स से अर्थ की तरफ सिग्नल अगर भेजा जा रहा है तो मार्स का सिग्नल जो है सन की कोरोना की हीट की वजह से करप्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली अर्थ तक के नहीं पहुंच पाता है। तो जब तक के सन और अर्थ मार्स और अर्थ के बीच में जब तक के सन रहेगा तब तक के वहां से प्रॉपर सिग्नल नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से अपने को कंप्लीट एक वीक से वहां से बराबर सिग्नल नहीं मिल पा रहा है। तो एक्चुअल में सोलार कंजक्शन को समझने के लिए आप ये इमेजेस देखिए ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएंगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अर्थ और मार्स के बीच में कैसे सन आया है, और दोनों के ऑर्बिट के बीच में जो रेडियो सिग्नल का जो लेन देन था वो नहीं हो पा रहा है। तो इसकी वजह से देखिएगा ये वाली फिगर में वो अपने अपने ऑर्बिट में जब रिवॉल्व करते हैं और बीच में सन आता है तो उसकी हीट की वजह से सिग्नल जो है बराबर से नहीं मिल पाते हैं। सो थैंक यू गाइज, आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा, और ये बहुत ज्यादा मतलब एक नेचुरल सा इशू है जिसकी वजह से अपने को सारी इंफॉर्मेशन है जो नहीं मिल पा रही है मार्स की, बट इसको बहुत सारे जो मीडिया ग्रुप्स वगैरह वगैरह है इसने कवर नहीं किया हुआ है, और मेरे को थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिला था इसलिए मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए। सो थैंक यू।